नमस्कार। कक्षा 8 एक्सरसाइज 2.5, इसका प्रश्न नंबर 5 हमें करना है। 3t माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन 3 बराबर 2 अपॉन 3 माइनस t। बच्चों, सबसे ज़रूरी चीज़ जो इस क्वेश्चन में आपने ध्यान रखनी है वो ये कि ये जो माइनस है ना, ये सिर्फ 2 के साथ नहीं है, यही माइनस इस 2t के साथ भी है और यही माइनस इस 3 के साथ भी है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और सबसे पहला काम यह है कि t वाली सारी रकमें एक तरफ ले आओ। तो देखो, 3t माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन 3, ये बराबर का निशान है, ये माइनस t है, इसको भी उधर ले जाते हैं, प्लस t बराबर 2 अपॉन 3। ये पहला स्टेप हमने किया है। अगली बात, इस टी के नीचे कोई भी हर नहीं है तो हम अपनी तरफ से एक हर लगा देते हैं, वन के अलावा कुछ नहीं लगा सकते। अब हम इसे हल करेंगे। सबसे पहला स्टेप ये है कि तीनों हरों का लघुत्तम ले लो। यहाँ है 4, यहाँ है 3, यहाँ है 1, 4, 3 और 1, इनका जो लघुत्तम होगा वो होगा 12। कैसे पता चला 12? जो नंबर एक दूसरे से के पहाड़े में नहीं आते या किसी और नंबर के पहाड़े में दोनों नंबर नहीं आते तो उनका लघुत्तम होता है, उन दोनों को गुना करके आता है। तो 4 3 12। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले से भाग, जो उत्तर आएगा उसको ऊपर वाले से गुना। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना, 12 को 4 से भाग किया 3, उस 3 से ऊपर 3t माइनस 2 गुना हो जाएगा, उस 3 से 3t माइनस 2 गुना हो जाएगा। समझ आया बच्चों? मैं थोड़ा इसको जूम कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। 12 को 4 से भाग किया 3, उस 3 से ऊपर 3t माइनस 2 गुना हो जाएगा, तो 3 से 3t माइनस 2 गुना हो गया। आगे है माइनस का निशान, तो माइनस डाल दिया। 12 को 3 से भाग किया तो आया 4, 4 ऊपर 2t प्लस 3 से गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा 2t प्लस 3 से। ठीक है बच्चों, आगे है प्लस का निशान, तो प्लस डाला। 12 को 1 से भाग किया 12, 12 को ऊपर t से गुना कर दिया 12t। याद रहेगा बच्चों, नीचे वाले से भाग, जो उत्तर आएगा उसको ऊपर वाले से गुना। और इस तरफ है 2/3, इसको ऐसे ही रहने देंगे। ये समझ आया? मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। हमारे पास 4 3 और 1 का लघुत्तम आया था 12, तो हमने क्या किया, इस लघुत्तम से नीचे वाले को भाग करते हैं, जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से गुना करते हैं। तो 12 को 4 से भाग करके आया था 3, उस 3 को ऊपर 3t माइनस 2 से गुना किया, इसी प्रकार से बीच में माइनस है माइनस। 12 को 3 से भाग किया 4, उस 4 को ऊपर 2t प्लस 3 से गुना कर दिया, प्लस 12 को 1 से भाग किया तो 12, उस 12 को ऊपर t से गुना कर दिया, तो 12 गुना t 12t आ गया, बराबर 2/3। अब आगे हम क्या करेंगे, ये जो 12 है, ये थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ मैं, ये जो 12 है ये यहाँ इस पूरी के साथ भाग हो रहा है ना, तो जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बोलो बच्चों क्या हो जाएगा, जब ये यहाँ भाग हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा, गुना होगा। ठीक है, यहाँ क्या बच गया, 3 इन दोनों से गुना हो रहा है, तो 3 3 9t माइनस 3 गुना 2 6, 3 इससे भी गुना होना है और इससे भी गुना होना है। आगे है माइनस 4, ये इससे भी गुना होगा और इससे भी गुना होगा, माइनस 4 गुना 2 होता है माइनस 8, साथ में है t, माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 3 12, इसके साथ t नहीं है। आगे है प्लस 12 t, बराबर है इसके। अब यदि इसको भी उधर देखें तो ये 3 12 से कट सकता है, 3 1 3 और 3 4 12, तो राइट साइड पर हमारे पास नीचे तो बचा 1, खत्म हो गया, 2 गुना 4 होता है 2 4 8। लेफ्ट साइड पर जो t वाली रकमें छोड़ेंगे, बिना t वाली रकमों को उधर ले जाएंगे, तो देखो यह है, ध्यान से देखना बच्चों, ये है 9t माइनस 8t, 9 में से 8 गया 1, 9t माइनस 8t हो गया 1t, 1t में 12t प्लस कर दिया, ये नहीं प्लस किया, ये नहीं किया, क्योंकि इनके साथ t नहीं है। तो 3 रकमें t वाली, 1 2 3,
नौ में से आठ गया एक टी, एक टी में 12 टी प्लस किया तो हमारे पास आ गया 13 टी। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, ये है माइनस छ, ये बराबर के उधर जाके हो जाएगा प्लस छ, ये है माइनस 12, ये बराबर के उधर जाके हो जाएगा प्लस 12। ये समझ आया? ठीक है, अब ये जो 13 टी बचा ना, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ बराबर टी बराबर के पास लिख लेता हूँ ताकि ये समीकरण जैसा लगे। अब ये हमने हल कर दी पूरी लाइन, पूरी लाइन देखो कैसे की, 9 टी में से 8 टी माइनस किया 1 टी, 1 टी में 12 टी प्लस किया 13 टी, ये है माइनस छः उधर जाके हो गया प्लस छः, उधर मतलब बराबर के उधर, यह है माइनस 12 बराबर के उधर गया तो हो गया प्लस 12। अब यहाँ बन गया टी बराबर, 13 में बताता हूँ कहाँ गया, 8 6, 8 और 6 14, 14 और 12 26, ये 26 कहाँ से है, इन तीनों को प्लस करके, 13 इधर टी के साथ गुना हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, है ना बच्चों। अब क्या करें, ये 13 और 26 आपस में कट जाएगा, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, इसका मतलब टी कितना आ गया, 2। इसका अर्थ ये है कि हमने ये जो प्रश्न हल किया है, समीकरण किया है, इसमें हमारे पास टी का मान आ जाएगा 2। तो ये हमारी एक समीकरण थी जो कि टी में थी, 3t-2/4-2t+3/3 = 2/3-t। इसे हमने हल किया, कैसे किया, सबसे पहले टी वाली सारी रकमें उधर, फिर लघुत्तम लेके नीचे वाले से भाग ऊपर वाले से गुना, टी वाली रकमें यहीं सॉल्व हो गई, माइनस और माइनस वाली रकमें उधर जाके प्लस हो गई, इनको आपस में हल किया तो हमारे पास टी की वैल्यू आ गई। तो यही हमें हल करना था इस प्रश्न में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा, यदि समझ आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके लाइक से हमें और मेहनत से वीडियोस बनाने की शक्ति मिलती है। धन्यवाद।